Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Avika and welcome back to another video. So this is the most requested video of my channel, which is CBSE class 10th result video. तो आज जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि रिजल्ट आ चुका है, तो मेरा भी रिजल्ट आया obviously. For those who don't know, for those who are new to my channel, hello, myself Avika and I'm currently 15 years old. और मैंने अभी 10th के papers दिए थे और आज मेरा result आया है. So I'm going to be sharing that with you all. But before that, I also want to share something else, which is first of all, I studied the whole 10th without any coachings, without any tuitions. So this is going to be my result without any coaching or tuitions. Second of all, I full time managed a YouTube channel, which is not easy. Let me be honest. So consistently, I used to post. हर दिन मैं post करती थी, whether a long video, a short video, 90% long videos. So yes, it was really difficult. But अपना result देख के, I'm pretty satisfied with the way how I performed. So without any bug, let's just get into the result part. Okay, so let's talk about Hindi first. So Hindi में I have scored 86 on 100 and it is the lowest marks on my mark sheet. तो आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन इन हिंदी, बट हिंदी में सच में बहुत कम मार्क्स दिए हैं मेरे को. और मेरा कोड था 002 हिंदी कोर्स ए, तो मेरे आए हैं 86 on 100, विच इज़ अगेन वेरी लेस एंड डिसअपॉइंटिंग. हिंदी में मेरे है ना लाइक कम आते थे, बट मैंने इतना नहीं सोचा था बोर्ड एग्जाम इतने कम हो जाएंगे. आई वॉज ऑनेस्टली एक्सपेक्टिंग 90 अबव विद दिस वन. सो एनीवेज हिंदी में अब जितने आए सो आए. Moving on to English, English में I had the code 184 and I have scored 94 on 100. तो मेरे आए 94 on 100, which is again less. क्यों? क्योंकि pre-board में मेरा जो score था ना वो generally था 96 or 99 का, but अब वो हल्का सा fluctuate होकर 94 पे आ गया है. So the thing is ना कि मुझे लग ही रहा था ये होगा, because मैंने ना कुछ questions ऊपर नीचे कर दिए थे और वो उसमें ना टॉप 10 चूज करने होते, तो मैंने उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मुझसे. सो आई थिंक वहाँ पे मेरे मार्क्स कट है, बट आई थिंक इट्स फाइन. ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू गाइज रिकमेंडेड मी लाइव स्ट्रीम पे, जब मैं बता रही थी मेरे हिंदी में कम मार्क्स आए, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप री इवैल्यूएशन के लिए अपनी कॉपी को डाल दो. बट टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, बिकॉज वही बात है कि यार अब अगर मैं री इवैल्यूएशन पे दूंगी भी तो इतना कुछ क्या पता कम हो ज़्यादा हो, कुछ नहीं पता. मेरे हिसाब से ठीक है, जितने भी आए ठीक है. उसके बाद मूविंग ऑन टू मैथ्स. सो आई हैड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट कोड था 041. सो मेरा है ना मैथ्स में ऑनेस्टली बताऊँ तो आम लिटरली एवरेज से भी नीचे, मेरी मैथ्स बहुत ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब है. और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी मैं 80 से ऊपर स्कोर कर लूँगी, बट आई हैव स्कोर 86 on 100. तो अगेन मैंने इसमें 86 स्कोर करा, तो हिंदी और मैथ्स के मेरे सेम मार्क्स हैं एंड आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद माई मैथ्स के मार्क्स. अब 86 भले ही तुम्हारे लिए कम होंगे, बट मेरे जैसे बच्चे के लिए जिसकी मैथ काफ़ी बेकार है, उसका 86 आ जाना इज़ मोर देन इनफ. सो यस, मूविंग ऑन टू साइंस. साइंस में मेरा कोड था 086 एंड अगेन आई एम प्रीटी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज साइंस मैंने पूरी साल बहुत पढ़ी थी, बट मेरे साइंस में आए हैं 92 on 100, विच अगेन इज प्रीटी लेस, बट 92 on 100 है, ठीक है यार जितने भी हैं. उसके बाद टॉकिंग अबाउट SST में आई हैड द कोड 087 और मेरे मार्क्स आए हैं 93 on 100. SST में दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मेरा है ना जब लाइक हाफ ईयरली तक मेरा बहुत अच्छा था, 95 से ऊपर मार्क्स चल रहे थे मेरे, बट जैसे ही प्री बोर्ड आया ना मेरे मार्क्स लिटरली बिल्कुल ही कम चले गए थे. इनफैक्ट इतने कम थे मैंने यूट्यूब पर रिवील भी नहीं करे थे. तो मेरे उस टाइम पर ना 57 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80, बहुत कम मार्क्स आई नो. तो SST में उस टाइम बहुत कम आए थे, बट अगर अब देखें तो अब अच्छे आए हैं, विच इज़ 73 out of 80. उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका मेरा सबसे घटिया पेपर गया था IT. तो IT में आई हैड द कोड 402 एंड मेरे मार्क्स आए हैं 92 on 100. तो इसमें मेरा आए 92 on 100. तो मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो उसमें मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, बिकॉज मेरा IT का पेपर सबसे ज़्यादा बेकार गया था ड्यू टू सम रीजंस. वो ये यार लास्ट एग्जाम तो मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ के गई थी, मैंने कहा था बस जल्दी सब खत्म होए, तो मैं उसमें इतना पढ़ के नहीं गई एंड स्टिल आई मैनेज्ड टू स्कोर 92 on 100. और मैं सारे यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगाई दूंगी रिजल्ट वगैरह के, ताकि तुम लोग देख सको. एंड यस, दैट इज इट, दैट वॉज माई रिजल्ट. एंड ऑनेस्टली मैं तो इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट हाँ मेरे हिसाब से मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट परसेंटेज, विच इज़ द मेन थिंग. सो लेट्स कैलकुलेट इट. सबसे मैं बेस्ट 5 के निकालने वाली हूँ. बेस्ट 5 में वी हैव 94, वी हैव 86, 92, 93 एंड 92 अगेन. सो इसका मेरा परसेंटेज बनता है 91.4. तो आई एम टॉप 10 स्टूडेंट्स, जहाँ तक मैंने सुना है कि मेरे पुराने वाले स्कूल में जिनके भी 90% से अबव आए, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ आई गेस. मेरे को इतना सुनने में आया क्योंकि वो स्कूल मैंने छोड़ दिया, तो मुझे अब इतना आइडिया नहीं है. बट येस, आई एम प्रिटी सैटिस्फाइड विद माई रिजल्ट ऑनेस्टली. मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, स्पेशली वाइल मैनेजिंग अ यूट्यूब चैनल विद नो कोचिंग.
अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ ना, ऑनेस्टली मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अगर तुम कोचिंग करोगे तो ही तुम्हारे 90 अबव आएंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई क्लास हैव जॉइंड कोचिंग्स एंड ट्यूशंस. और भले ही वो एक सब्जेक्ट का हो, मैथ्स का हो, SST का हो, साइंस का, ऑलमोस्ट सभी हर कोई जा रहा था, मुझे सबके बारे में पता था. बट आई वॉज नॉट गोइंग टू एनी कोचिंग और ट्यूशन. जो मैंने पढ़ा यूट्यूब के फ्री मटीरियल से पढ़ा, सो येस आई वॉज स्टिल एबल टू स्कोर दिस मच एंड इट इज़ अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मी. बस हिंदी में कम रह गया, मैं मैथ्स को में भी कम नहीं बोलूँगी क्योंकि मैथ्स में तो मेरे को इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट हिंदी में काफ़ी कम रह गए. बट अदरवाइज द रिजल्ट इज़ अ स्ले एंड येस वी डिड इट गाइज. तो जिसका भी जितना भी रिजल्ट आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी वन, क्योंकि देखो मानो ना मानो तुमने बहुत मेहनत करी है इस 10th क्लास के पूरे पीरियड में. ऑल्सो वन मोर थिंग, दिस रिजल्ट डजेंट मैटर एट ऑल. अभी यहाँ पे मेरा रिजल्ट आया है आज, मैं भले ही अच्छा स्कोर करा, मैं 91.4 मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर है, बट लेट मी बी ऑनेस्ट, इट डजेंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे. क्योंकि अब हर कॉलेज के अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, नीट एग्जाम है, JEE, CUET है, इतने एग्जाम्स हैं एंड उनको क्वालिफाई करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दीज मार्क्स. अभी तो बस ये शुरुआत हुई है पूरी जर्नी की लाइफ की. सो येस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, दैट वॉज माई रिजल्ट एंड आई एम रियली रियली सैटिस्फाइड एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन जिसने भी जितना स्कोर करा है. सो येस दिस होल 10th जर्नी वॉज अ रोलर कोस्टर लिटरली. इतने अप्स, इतने डाउन्स, इतनी मतलब इतना मेस्ड अप स्केड्यूल था. अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ ना, लाइक जब मैं थी उसमें क्या बोलते हैं 10th के पीरियड में, मेरे को है ना मेरा शेड्यूल इतना बेकार था, पता नहीं कब सो रही हूँ कब उठ रही हूँ, क्योंकि वीडियोस बराबर में डालती थी मैं, छुट्टी बहुत कम लेती थी एंड मैंने बोर्ड एग्जाम्स में भी इनफैक्ट ट्रेडी पोस्ट कराया, शॉर्ट वीडियोज़ एंड इवन लॉन्ग वीडियोज़. सो हाँ, अब हो गया है सब कुछ, मेहनत रंग लाई. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई हैव स्कोर 91.4. बाय. Also, if you're new to my channel, please consider to subscribe to my channel. And I don't think I'm valid to give you tips because 91.4 khud itni achhi percentage nahi hai. But do let me know if you want some. And yes, bye.